बिहार की राजनीति की भारी भरकम हस्तियों की लिस्ट चाहे ऊपर से बनाएं या फिर नीचे से, पप्पू यादव का नाम जरूर होगा। पप्पू की राजनीति एक दौर में बाहुबल की धमक थी। ये बाहुबल मुफ्त में नहीं आया था। पप्पू यादव के राजनीतिक सफर पर गौर करें तो कानूनी मामलों की लंबी लिस्ट है, किसी में दोषी तो कई में बरी। राजनीति का दबंग, बाहुबल का धनी, कहानी पप्पू यादव की। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव का अलग ही मिजाज और अंदाज है, लेकिन एक दौर बिहार ने वो भी देखा जब पप्पू के बाहुबल की कहानियां पूरे बिहार में आम थी। ये वही दौर है जो एक हिंसक और कानूनी लड़ाई का गवाह भी बना। साल 1998 में पूर्णिया में सनसनीखेज वारदात, माकपा नेता अजीत सरकार की हत्या, विधानसभा चुनाव में माकपा उम्मीदवार थी सरकार, अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी, अजीत सरकार, अशफुल्ला खान और ड्राइवर पर अंधाधुंध फायरिंग, घटना में तीनों के तीनों मारे गए। आरोपियों में बाहुबली सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी। इस मामले में पप्पू को 8 साल जेल में रहना पड़ा। आखिरकार पटना हाई कोर्ट से राहत मिली। 5 बार सांसद रहे पप्पू यादव के सियासी सफर की शुरुआत में आपराधिक अतीत का साया भी रहा है। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग जैसे 31 मामले उन पर दर्ज हुए। पप्पू यादव का मानना है कि ज्यादातर मामले राजनीतिक थे। बाद में पप्पू के पॉलिटिक्स का बदला अंदाज भी देखने को मिला, और शायद यही वजह है कि एक दौर में जिस आनंद मोहन के साथ पप्पू यादव की जानी दुश्मनी बताई जाती थी, आज वही आनंद मोहन जब रिहा हुए तो पप्पू ने इनका स्वागत किया।